नमस्कार, इंडिया न्यूज़ वायरल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कुंदन शशिराज और मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो यूट्यूब पे सनसनी है, सेंसेशन है और उनका नाम है आशिकी। एक काम कर, मेरे घर आ जा। Have a seat। आप में से कई लोग उनका नाम जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। उनको ही बता दूं कि आशिकी दरअसल एक कमाल की यूट्यूबर हैं और कुछ 12 लाख से भी ज़्यादा लोग उनको YouTube पे फॉलो करते हैं। और Facebook में कितने लोग फॉलो करते हैं आपको? 3 मिलियन। तो नंबर्स आप समझ सकते हैं कितने बड़े हैं। तो आज हम आशिकीन से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आशिकीन ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और बतौर क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, एक मकाम कैसे हासिल किया। कैसे चालू किया है सारा कुछ? कैसे चालू किया? ये एक शौक था और बस ऐसी टाइम पास, कोई ये पर्पज़ नहीं था हमारा कि फेम मिलेगा या आज जहाँ पे हूँ मैं, ये सोच के नहीं किया चालू। और बस टाइम पास के लिए, वेल्ले था उस टाइम पे, मैं बहुत वेल्ला था। सुनने में है कि आप कुछ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। इंजीनियर? हाँ, तो इसको इसमें मैं अगर मैं बताऊँ तो सीन ये था कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग में मैं सेकेंड ईयर में फेल हो गया, मतलब ईयर बैक। सो पहली ईयर बैक लगी तो मैंने सोचा ठीक है यार, शायद सबकी लग रही थी नॉर्मल, मैं कहा ठीक है फेल हुआ हूँ, पढ़ लिख के अगली बार फिर क्लियर कर लूँगा। तो घर पे भी मैंने यही बताया कि ईयर बैक आ गई है और नहीं हो पा रहा मुझसे, बट मैं कोशिश करूँगा, मैं फिर से ट्राई करूँगा। सो सेकेंड बार जब मैंने एग्जाम दिया मैं फिर फेल हो गया, और मैं फेल भी ऐसे नहीं होता था कि एक दो सब्जेक्ट से, मैं 12 के 12 में फेल होता था। ग्रेट। सो और ये भी था कि पढ़ के जा रहा हूँ तो फेल हो रहा हूँ, ऐसा भी नहीं, मैं पढ़ के ही नहीं जाता था, कुछ भी नहीं करता था ऐसे, बस बहुत मैंने लाइटली लिया हुआ था उसको। सो दूसरी बार फिर फेल हो गया मैं, और दूसरी बार फिर मैंने बताया कि मैं शायद छोड़ देता हूँ, नहीं हो रही तो मुझसे। बट पापा का था कि नहीं, मतलब एक था कि वो चाह रहे थे कि मैं करूँ इंजीनियरिंग, और उस टाइम पर फिर मुझे भी आया कि चलो यार एक और अटैम्प्ट करके देखते हैं, और फिर मैंने सोचा कि चलो एक और बार से। सो मैं 2 बार फेल हुआ। अब हर बार फेल होके क्या होता था, मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे घर पे रहना है, पूरा 1 साल घर पे रहना। तो 1 साल जब मैं रहा घर पे, तब तो मेरे दिमाग में था कि इंजीनियरिंग करनी है, तो मैं कुछ ना कुछ छोटे मोटे कोर्स कर रहा था, इवेंट्स कर लेता था, ये सब मैं करता था। सो वो एक एक्सपीरियंस था मेरा, फ्रीलांस कुछ ना कुछ करता। सेकेंड बार जब मैं फेल हुआ तो उस टाइम पे पापा ने ये भी कह दिया कि ये सब भी मत कर, जब अब पढ़ाई कर, मतलब वो उनका थोड़ा प्रेशर आ गया। बट अब 24 घंटे तो मैं पढ़ नहीं सकता। सो उस, और मैं थोड़ा लो भी फील कर रहा, थोड़ा डिप्रेशन टाइप वो माहौल चल रहा था वैसा, तो उस चीज़ को मैंने थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसी कुछ वीडियोस वगैरह देख रहा था, और एक सेम की तैयारी कर रहा था, एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, और उस बीच में पढ़ते पढ़ते जो टाइम पास चलता है उसमें ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस मैंने कुछ लोगों की देखी, बाहर के थे सारे, मुझे नाम किसी के याद नहीं है, बट कुछ फनी कॉन्टेंट्स आ रहे थे। सो उनको देख के लगा यार ये तो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, मैं भी क्यों नहीं करूँ। और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड बैठा था, उसने काफ़ी हेल्प करी थी मेरी पढ़ाई को लेके। सो उसने मुझे उंगली करी, एक होता ना चुल वाला दोस्त, हाँ भाई, और वो मुझे लग रहा था, मतलब फील आ रही थी कि मेरे मुझे मुझसे मजे ले रहा है, एक ना दोस्त, हाँ भाई तू कर सकता है, तू ये कर, तू कर लेगा। कौन से ईयर की बात है ये? मेरे सेकेंड ईयर की, जब मैं दूसरा अटेम्प्ट कर रहा हूँ तब की बात है। साल 2014 15 का जैन का है, 2000 जैन में मेरे एग्जाम्स थे, और जैन में मैंने डिसाइड कर लिया था कि एग्जाम्स के बाद मैं करता हूँ ये चीज, क्योंकि मुझे पता था मैं अगले 6 महीने भी वेला रहूंगा। तो जब ये डिसाइड किया कि यूट्यूब करना है या जो फर्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो घर वालों का रिएक्शन नहीं था? हाँ, यार हम तो मैं तो वही बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने उंगली तो कर दी मुझे, मेरे में आ गई चुल के, हाँ यार मैं तो करूंगा। सो अब ये चीज़ मैंने घर पे तो नहीं बताई, बट मैंने अपनी बड़ी बहन से डिस्कस करा कि मैं ना कुछ ऐसे ऐसा सोच रहा हूँ, तो उसने काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब उस जेन्युइन सपोर्ट जो कि हाँ यार चल तेरे को करना है कुछ तो कर, जैसा है वो। तो मेरी पहली वीडियो उन्होंने शूट करी थी, मैं रूम के अंदर शूट कर रहा हूँ, बाहर घर पे बैठे हैं और घर पे नहीं पता अंदर क्या चल रहा है रूम के अंदर, मेरी सिस्टर मुझे शूट कर रही है, और मैंने मना किया था बताने को मम्मी पापा को, किसी को बताने को मना किया था कि मैं ऐसी शौक के लिए कर रहा हूँ, देखा जाएगा जो होगा, और तो वो चीज़ वैसे शुरू हुई। अच्छा, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है, काफी लोगों को यूट्यूब पे लगता है कि आशिकीन शायद आपका असली नाम नहीं होगा, ये हाँ। स्क्रीन नेम होगा, क्योंकि जब मेरी भी बात हो रही थी फोन पे तो मैंने पूछा था कि यार आपका नाम क्या है। जी, आप मुझे याद है, क्या है, कहाँ से रहने, आपका पहला कॉल आया था और आपने सबसे पहले पूछा था यार अपना रियल नेम तो बताओ। सो मेरा रियल नेम आशिकीन ही है और ये सिंगल नेम है,
सो आशकीन के आगे पीछे कुछ भी नहीं है, सिंगल नेम आशकीन ही है। तो ये चीज़ यार अब कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे दिल्ली हैं? से ही हूँ मैं, अच्छा शुरू से दिल्ली से ही हूँ अपनी फैमिली। और फैमिली भी यहीं से बिलोंग कर रही है पूरी। तो हाँ दिल्ली से ही पूरा सेटअप है यहाँ पे। जब एक्ट कर रहे हो तो अपने वीडियो में तो बहुत लाइवली, बहुत क्लोज टू रियलिटी मतलब तुम्हारी एक्टिंग लगती है, तो क्या कोई प्रोसेस है, खुद को तैयार करते हो कि यार कि ये खुद सीन ऐसे करना है या ऐसे ये करना रहता है कि स्क्रिप्टिंग मैं करता हूँ, है ऐसे? मतलब ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है कि सब मैं करता हूँ, बहुत टीम का रहता है, कुछ इनपुट्स टीम के रहते हैं, कभी कभार एक दो आ जाता है सबसे, पूरा मेरा हाथ नहीं है अब, नहीं है मतलब पहले शुरू से मैं ही करता आ रहा था। तो जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग लिखता हूँ कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊँ, तो मैं अपने आप को उसमें डाल के लिख रहा होता हूँ। सो मुझे पता रहता है मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि जब मैं ही लिख रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे ऐसे करना है। तो रिहर्सल वगैरह करके जाते हो हाँ कुछ? जब मैं लिख भी रहा होता हूँ तो मैं मन में अपने आप को देख रहा होता हूँ ऐसे ऐसे करते हुए कि यार मैं ऐसे ऐसा कुछ करने वाला हूँ। सो मैं उसी टाइम बैठते बैठते भी कोशिश करता हूँ कि मैं बोल पाऊंगा ये लाइन, फिर इस अच्छा। हिसाब से मैं लिखता हूँ, तो ये रहता है। हाँ तो आशिकी, मतलब सबसे कमाल की बात होती है किसी भी यूट्यूबर की लाइफ में, जी जब अचानक से एक रात जो रियल टाइम व्यूज दिखते हैं वहां पे एक तूफान आता है, हरा वाला तूफान, तो वो तूफान कब आया और कैसे मजा आया उसको देख के, हाँ क्या आया? तो क्या था कि वीडियोस तो मैं कर रहा था, और हाँ उस टाइम पे मैं अपने इंजीनियरिंग के लास्ट स्टेज पे आ चुका था, जी और तब मेरे दिमाग में यही था कि यार अब क्या, वीडियोस से उस टाइम पे कमर्शियल ऐसा नहीं था कि पैसा आ रहा है, ये लोगों की गलत फहमी है कि कहते हैं यूट्यूब से बहुत पैसा आता है, अच्छा नहीं है ऐसा, आपको भी पता है ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगी सबको पता है ये बात। सो मतलब ठीक है पैसा है, बट जिस टाइप की वीडियो हम करते हैं उसमें प्रोडक्शन लगती है काफ़ी, बहुत खर्चा ज्यादा, काफ़ी है बहुत उसमें। ज्यादा। सो वो चीज़ नहीं हमारे लिए थोड़ा रहता है कि हम वो नहीं, उस एक बात से अग्री करेंगे हम लोग आशकीन के साथ कि एक्चुअली ये जो चीज शुरू होती है वो फन के साथ ही शुरू होती है, कोई भी ये दिमाग में चीज नहीं होती कि नहीं यार इसे पैसा कमाना है। हाँ बाद में फिर धीरे धीरे चीजें आती हैं, ब्रांड इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं, तब जाके आप कहीं कहीं ब्रेक इवन मोड पे पहुंचते हो या वही कुछ ऐसा वही होता है। वही तो खैर पैसे के पर्पस से नहीं था, बट हाँ ऑब्वियसली जब मतलब मेरे को इंजीनियरिंग मेरी 6 साल बाद हो गई तो एक दिमाग में आता है कि यार अब पैसा तो व्हाट कमाना नेक्स्ट? ही है यार, कुछ तो करना ही है। तो उस टाइम पे मेरा एग्जाम्स बस ख़त्म ही होने वाले थे, और मैं दो चार डिजिटल मार्केटिंग टीम से मिल रहा था उस टाइम पे, वो लोग मुझे खुद बुला रहे थे क्योंकि वीडियोस चलनी शुरू हो गई थी, और ये 2016 की बात बता रहे ये हैं, 2016 के एंड की बता रहा हूँ मैं सिक्सटीन आपको, सेवनटीन हाँ बेटा। 16-17 की। सो उस टाइम पे मेरे दिमाग में था यार अब मैं क्या करूँ, वीडियोस चल रही है, लोगों को पसंद आ रही है, व्यूज आ रहे हैं, बट पैसा नहीं आ रहा, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर था क्योंकि अब मुझे पैसा भी तो घर पे भी तो देना है, कुछ तो करना ही है। बिल्कुल। तो उस टाइम मैंने डिसाइड करा हुआ था कि यार अब मैं 3-4 महीने और अच्छे से लगूंगा, देखता हूँ क्या होता है, होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ये चीज़ मेरी शौक के लिए चलेगी, नहीं तो मैं अपना साइड बाय साइड जॉब जो है वो देखूंगा। तो ये चीज़ मैंने प्लान करी हुई, बट वही हुआ कि ये चीज़ मैंने डिसाइड ही करी, और एक कुछ दिन बाद मुझे एक ब्रांड आया और उसके साथ हमने एक वीडियो करी, वो वीडियो मेरी मोस्ट वायरल वीडियो हुई, वही जो गाड़ी में बरखा है, जिस गाड़ी में बरखा है और वो डांस कर रही है। तो मतलब 2016-17 के मिड में आपने लगभग डिसाइड किया कि यार प्रोफेशनली करना है, टीम बनाते हैं करते हैं, तो अब अपने क्राफ्ट के बारे में बताइए, कैसे शूट करते हैं, किस कैमरा से शूट करते हैं, काफी लोग जानना चाहते हैं, अक्सर कमेंट सेक्शन में भी लोग लिखते हैं यार किससे किस कैमरा से शूट कर रहे हैं आप, हाँ कैसे कर रहे हो, टीम क्या है, तो आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए। शूट का मैं बताऊं यार क्या कहते हैं, मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस मेरे आईफोन से शूटेड थी, उनसे हम शूट करते थे, फिर धीरे धीरे जब लोगों को लगता था यार तुम क्वालिटी बढ़ाओ, तुम्हारी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस टाइम पे पैसे नहीं, मैंने घर से आज तक एक पैसा नहीं लिया इस चीज़ के लिए, एक पैसा पापा से नहीं लिया, किसी से नहीं लिया। सो उस टाइम आईफोन आईफोन इनको वो देखे गए थे, क्या नाम, स्टीव जॉब्स देखे गए स्टीव जॉब्स जी से मैंने तो आईफोन खरीदा था उस टाइम पे, शूट कर रहे थे हम। तो उस टाइम पे भी ये मैं बताऊं कि मैं दोस्तों से कैमरा लेता था अपने, जिन दोस्तों के पास DSLR होता था मैं उनको कहता था यार एक दिन के लिए अपना कैमरा दे दो, और ऐसे ऐसे करके मैंने 3-4 मेरे को, ये यार ये चीज़ है कि ऐसे टाइम पे आपके दोस्त बहुत काम आते हैं। सो मेरे दोस्तों की मतलब एक तरह से हम फैमिली की तरह रहते हैं, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, तो कैमरा हो गया, कभी कोई गाड़ी चाहिए, कुछ लोकेशन चाहिए, उनके घर पे शूट करना है, ये सब किया है मैंने। सो उनके बिना तो मतलब ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी, और ऑब्वियसली यार उस टाइम पे हमारे पास ये सब के लिए नहीं होता था कि यार किसी प्रोफेशनल को बुलाएं शूट करने के लिए, तो किसी फ्रेंड से ही कैमरा पकड़वा रहे हैं हम, ट्राईपॉड मैंने किसी का उस टाइम पे लिया हुआ था, अभी भी रखा हुआ है मेरे पास, उसने मुझसे पूछा नहीं यार वापसी से दे दे। तो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास अभी भी हैं। तो आईफोन से शुरू करी थी,
उसके बाद फाइनली जब ये चीज़ कमर्शियल करने की सोची और यूट्यूब से थोड़ा अर्निंग आनी शुरू हुई, तो हमने एक कैमरा लिया, कैनन का था 700D है वो, और उससे काफ़ी टाइम तक हमने शूट किया। फिलहाल जो मैं शूट कर रहे हैं हम वो है सोनी का A7S2 है, और काफ़ी अच्छा कैमरा माना जाता है वो। सो क्वालिटी वाइज काफ़ी फ़र्क इसी वजह से लोगों को दिखता है। रही बात टीम की, मैं बात करूं तो उस टाइम पे अकेले थे, दीक्षांत था साथ, सिर्फ दीक्षांत और मैं थे। और धीरे धीरे बड़ा लखन आया, लखन एडिटिंग शुरू करी लखन ने। ऑब्वियसली फिर लखन को अपनी जॉब भी देखनी थी क्योंकि वो साथ साथ जॉब कर रहा था। बेस्ट पार्ट ये था कि वो सुबह और शाम में जॉब करके आता था, मैं उसके शाम में घर पहुंचता था और मैं उससे एडिट कराता था, भाई एडिट कर दे, भाई एडिट कर दे। तो वो जगता था मेरे लिए 2-2 बजे तक, एडिट करता था और फिर हम करते थे। तो काफ़ी ये स्ट्रगल मैंने अकेले नहीं किया, मेरे साथ सबने किया है, लखन है, दीक्षांत है, इन सबने किया है। और सब बेस्ट पार्ट ये था कि उस टाइम पे पैसे थे नहीं हमारे पास, सब हम शौक के लिए कर रहे थे, पैशन पूरा था, पैशन था। उसको एडिटिंग को पसंद थी, लखन को, दीक्षांत को एक्टिंग, मेरे को ये सब था, तो हम सब सिर्फ पैशन के लिए कर रहे थे। व्हाट नेक्स्ट आशिकीन? एक्चुअली मेरे ख्याल से यूट्यूबिंग में भी आप ठीक ठाक मकाम पे हो जी, और काम अच्छा कर रहे हैं, लोग पहचानने लगे हैं, डेफिनेटली इतना कुछ आप निकाल रहे हैं कि हाँ आप अपनी एक टीम को साथ लेके चल सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या कुछ करने का प्लान है? फिलहाल स्केच वीडियोस बना रहे हैं हम, और नेक्स्ट मैं कहूँ तो यूट्यूब ही है फिलहाल, यही प्लेटफॉर्म है। तो कुछ कोलैबोरेशन हम करने वाले हैं, जैसे हमने आरजे नावेद के साथ किया, सपना चौधरी के साथ किया है। सो ऐसी हम अभी कुछ लोग और देख रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए, कुछ यूट्यूबर्स के साथ करें, मेरी बात चल रही है। सो वो हमारा है। उसके अलावा मैं कहूँ तो यार कहाँ से कहीं कभी कॉल आ जाए, कुछ आ जाए तो हम बैठे हैं, बुला लो हमें, तो तैयार बैठे हैं। नई जनरेशन का नया फंडा है यार, कुछ क्रिएट करना है, कुछ नया, तो ऐसे लोगों को आप क्या, कैसे आप उनको गाइड करना चाहेंगे बतौर क्रिएटर, क्या करो क्या मत करो? गाइड तो देखिए बहुत लोग अभी ये चीज़ कर रहे हैं। सो क्या है कि अभी आप लोग ये जो आप कर रहे हैं, ये चीज़ ऑलरेडी बहुत लोग कर चुके हैं, मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे साथ और जितने क्रिएटर्स हैं, ये सब कर रहे हैं। सो अब जो कोई शुरू कर रहा है, मैं उनको यही गाइड करूँगा, यार अब थोड़ा आप अलग करो, क्योंकि ऑडियंस हमें देख के पता है कि यार ये आएगा, कुछ कॉमेडी करेगा, स्टोरी होगी इसकी, कुछ फनी करेगा। सो नए क्रिएटर्स को मैं ये कहूँगा, आज ही मुझे एक यूट्यूबर था वो मिला है मुझे सुबह सुबह, और उसने मुझे अपने चैनल दिखाया, वो 1.5 साल से ये कर रहा है, और मैंने उससे ये पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो मैंने मैं जैसे आपकी वीडियो है, मैं उसको इंस्पायर करके अपना बनाता हूँ। सो मैं उनको और बाकी जितने हैं सबको ये कहूँगा यार कि हो गया, हम कर रहे हैं ये ऑलरेडी, आप लोग करो, अच्छा करो, या फिर अलग करो, कुछ कंटेंट अलग लाओ, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, जो चीज़ कोई देख नहीं, किसी ने देखी नहीं हो रही हो, कुछ वैसा, हाँ तो वो आप ट्राई करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो और अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जिसके हमने पहले सबसे शुरुआत में जिक्र किया, कितना पैसा बना रहे यूट्यूब से? देखिए पैसा तो बहुत है, हमें जगह ढूंढनी पड़ती है रखने के लिए, तो वो थोड़ा हमारा आपको भी पता है, हमें भी पता है कि पैसा तो ठीक है, अब फिलहाल ब्रांड्स हैं सो स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं हमें, तो काफी ठीक है। लेकिन ये ऑडियंस को एक चीज आपको बतानी चाहिए, बट हाँ ये मैं एक लेवल देखिए, हाँ बहुत सारे मुझे लोग ऐसे मिलते हैं और मैंने ये चीज देखी भी है लोगों में कि YouTube को या फिर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को वो ये सोच के आते हैं कि यार यहाँ पे मैं बहुत पैसा कमाने वाला हूँ, मेरे बहुत फैन फॉलोइंग होने वाली है और पागल हो जाएंगे लोग मेरे लिए, इस पर्पज से वो इस चीज में घुसते हैं। अच्छी बात है यार, अगर ये होता है तो बहुत अच्छा लगता है, ऑब्वियसली मेरे साथ हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बट ये पैसा वाली एक गलत फहमी है कि आपको लगता है हम बहुत पैसा कमा रहे हैं। ठीक कमा रहे हैं, पैसा लगाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि कमा रहे हैं तो बस उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ पे थ्री डेट वाली वो लाइन भी बहुत फिट बैठती है कि पैशन के पीछे भागो, हाँ फिर पैसा शायद धीरे धीरे यही चीज पीछे आएगा, पैशन के पीछे। अगर आपको लगता है कि आप अच्छी वीडियोस कर सकते हो या आप में मतलब कुछ अलग टैलेंट है तो करो, आप ये सोच के करोगे कि मैं पैसा कमाऊंगा इससे तो वो गलत है, क्योंकि है पैसा इसमें, बट ऐसा पैसा भी नहीं कि आप बहुत नेक्स्ट लेवल पहुंच जाओ, ये आपको पता है, हमें पता है,
नहीं लेकिन हाँ, यहाँ से नए रास्ते खुलते हैं, अपने नए टैलेंट रास्ते को खुलते हैं, शोकेस ये करते हैं एक होता है। बेहतर जी जी मीडियम में। जी अच्छा आशिकीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती जी है और वो ये होती है कि जब तक आप यूट्यूबर हैं और आप एक इनोसेंट यूट्यूबर हैं, तब तक पैशन आपको ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही आपके यूट्यूब कॉन्टेंट में ब्रांड, स्पॉन्सर, ये सारी चीज़ें आना शुरू होते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्टेंट क्या आपको लगता है कि स्पॉइल होना शुरू होता है, या एक जो आपके अंदर का पैशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होना शुरू होता है? होता है ये, मतलब बहुत रहता है हमें कि एक तो ब्रांड जब आता है तो ब्रांड का प्रेशर रहता है कि आप ऐसी वीडियो करो, ये मत करो, वो, मतलब कहीं ना कहीं हम पूरे बाउंड हो जाते हैं कि यार हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना। सो पहले बस ये रहता था कि यार कॉन्सेप्ट सोचा, बिंदास वीडियो करो, जो मर्जी बोलो, जैसे मर्जी करो करो, ठीक है। अब ये हमारे पे प्रेशर, अब ऑब्वियसली हमारी एक टीम है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ, सो अब हमारे पे प्रेशर है कि यार महीने में एक दो ब्रांड तो करो, खर्चा कैसे चलेगा, ये ऑफिस का रेंट हो गया, चीज़ें हो गई, जो ये खर्चा कैसे चलेगा, तो ये प्रेशर रहता है हमारे पे। तो थोड़ा कहीं ना कहीं टाइम वहाँ देना पड़ जाता है कि यार इस ब्रांड की क्या स्टोरी है, मीटिंग्स होती हैं, सब होता है, सो कहीं ना कहीं टाइम जा रहा है, बट ठीक है, हमने टीम भी एक्सपेंड करी है उसी हिसाब से कि कंटेंट के लिए बिठाए हैं लोग कि आप दो अपने आइडियाज़, सो ये भी चल रहा है। बट हाँ, ये जब थोड़ा बहुत धीरे कमर्शियल हो रहा है सो कंटेंट तो इफ़ेक्ट होता है, ये मैं कहूँगा, मानूंगा ये चीज़ को, बट हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छा ही रखें। और आशिकीन ऐसे ही काम करते रहो यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आशिकीन जैसे लोग गेम चेंज कर रहे हैं, आशिकीन गेम चेंजर्स हैं, गेम बदलते हैं, गेम में आते हैं। आशिकीन बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।